नमस्ते, मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं द लल्लनटॉप। पाकिस्तान के सबसे सफल स्पिनर दानिश कनेरिया के साथ भेदभाव की खबरें आई हैं। पूरे मामले पर अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर और बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने कहा है कि यही पाकिस्तान का असली चेहरा है। गंभीर ने इस मसले पर बयान दिया है और कहा, हमारे पास मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय टीम की कप्तानी की है, यही पाकिस्तान का असली चेहरा है। उनके देश के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो खुद क्रिकेटर रहा है। भारत में मोहम्मद कैफ, इरफान पठान, मुनाफ पटेल जैसे क्रिकेटर्स को खूब सम्मान मिलता है। पटेल तो मेरे बेहद करीबी दोस्त भी हैं। हम लोग हमेशा एक टीम की तरह सिर्फ देश के गौरव के लिए खेले, लेकिन पाकिस्तान से आ रही खबरें बेहद निराशाजनक हैं। जब एक खिलाड़ी के साथ पाकिस्तान में ऐसा व्यवहार हो सकता है तो सोच कर देखिए वहाँ रह रहे सिख, हिंदू और बाकी अल्पसंख्यकों को किन हालात से गुजरना पड़ता होगा। पाकिस्तान के स्टार शोएब अख्तर ने एक टीवी शो के दौरान कहा था कि कई लोग थे जो कनेरिया को पाकिस्तानी टीम में नहीं देखना चाहते थे क्योंकि वो एक हिंदू है। अख्तर ने यह भी कहा था कि इस लेग स्पिनर को उनकी परफॉर्मेंस का क्रेडिट नहीं दिया गया और लगातार उसके टीममेट्स ने उसे अपमानित किया। अख्तर ने यहां तक कहा था कि कई प्लेयर्स ने तो कनेरिया के साथ खाना खाने से भी मना कर दिया था। इस पूरे मामले पर कनेरिया का पक्ष भी सामने आया और उन्होंने कहा कि शोएब क्रिकेट के एक लेजेंड है, उनके शब्द भी उनकी बॉलिंग की तरह सटीक हैं। जब मैं खेल रहा था तब मेरे पास इन मामलों पर बोलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब जबकि शोएब भाई ने बोल दिया है मैं भी बोलूंगा। उन्होंने इंजी भाई, मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान ने हमेशा ही मेरा सपोर्ट किया था। जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया मैं जल्द ही उनका नाम पब्लिक करूंगा। मैं खुद को भाग्यशाली और गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं पाकिस्तान के लिए खेल पाया। इस मामले में पीसीबी का पक्ष भी अब सामने आ गया है, जिन्होंने कहा है कि कनेरिया और अख्तर दोनों ही संन्यास ले चुके हैं, वो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो जो चाहे वो कह और कर सकते हैं, वो उनकी अपनी राय है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो लोग जो भी आरोप लगा रहे हैं वो कुछ खिलाड़ियों के व्यवहार पर हैं, ना कि पूरे पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप पर। अब पीसीबी का यह बयान किस नज़रिए से देखा जाना चाहिए ये तो अलग विषय है, लेकिन कनेरिया और अख्तर का विवाद भारत तक पहुंच गया और भारतीय क्रिकेटर्स भी इस पर अपनी राय दे रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आपने इसे यूट्यूब पर देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पर आप इस वीडियो को देख रहे थे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। मैं हूँ विपिन और कैमरे के पीछे मेरे साथ हैं राशिद। शुक्रिया। दी लल्लनटॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। यूट्यूब और फेसबुक पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की, लल्लनटॉप ऐप, जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर वन। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लनटॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लनटॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लनटॉप की वीडियो सबसे पहले फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लनटॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।